of this Atmanirbhar Bharat Abhiyan, Abhishek Nandan ji, President Excellency of AKTU, Deans, Director, and our valuable participant, faculty, and students. Ladies and gentlemen, I welcome you on the behalf of Dr. APJ Abdul Kalam Technical University as Dean UG and under the umbrella of Atmanirbhar Bharat Abhiyan e-lecture series. I take this opportunity to express my endless gratitude to our Vice Chancellor Sir, Professor Vinay Pathak Sir, for his constant guidance, direction, and supervision and support, his positive outlook and confidence, and his careful editing contributes enormously to the bring this innovative technology in the AKTU for the student and faculty. सर इसके इस आत्मनिर्भर भारत अभियान ई लेक्चर सीरीज के अमरेला में कुछ इस जर्नी में मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ. फर्स्ट फोर लेक्चर कंटेन, फर्स्ट इज द स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी इज इन आत्मनिर्भर भारत अभियान, देन रोल ऑफ आईपी प्रोटेक्शन और सम पेटेंट और सम लॉज इन आत्मनिर्भर भारत अभियान. सेकेंड, Indian startup ecosystem for Atmanirbhar Bharat Abhiyan by Dr. Satya Ranjan Achar, Associate Professor EDII, and the lecture delivered by our very senior Sri Ravi Kocharji. He has 41 year experience in railway engineering, and the topic is role of manufacturing sector in Atmanirbhar Bharat Abhiyan. Today, sir, we know possibility or we explore the banking and financial status to develop in Atmanirbhar Bharat Abhiyan. हमारे छात्र और सभी शिक्षक और स्टूडेंट फैकल्टी आपको सुनना के लिए उत्सुक हैं कि हम अपना कोई भी सेटअप और कोई उद्यम या कोई भी इनोवेशन या कोई भी स्टार्टअप शुरू करने के लिए उसमें क्या क्या फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज हैं और हम उसको कैसे पूंजी क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात होता है ब्रांड वैल्यू मीन्स दिस इज अ टोटल डिपेंड अपॉन द मैनेजमेंट और मैनेजमेंट के लिए कोई भी हमें प्रोडक्ट को अगर डेवलप करना है, लॉन्च करना है या उसके प्रोटोटाइप को विकसित करना है तो इसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट चाहिए. और AKTU हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में हम छात्रों में इस चीज़ के इनोवेशन और स्टार्टअप को बढ़ावा और उनको हम डेवलप करने के लिए हम लोग 12,000 से 15,000 तक का फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप देते हैं, जिससे वो प्रोटोटाइप मतलब का आइडिया कंसीव करते हैं और उसको वो मतलब डेवलप करते हैं. तो इसी क्रम में सर आज हम आपको सुनने के लिए आते हैं. आपका टॉपिक है सर बैंकिंग इन इंडस्ट्री सेक्टर, और मैं अभिषेक जी से कहूंगा कि वो आपको मतलब वेलकम करें और इस आत्मनिर्भर भारत ई लेक्चर सीरीज का शुभारंभ करें. अभिषेक जी, इस क्रम में मैं माननीय प्रतिकुलपति महोदय से निवेदन करूंगा कि वो इस कार्यक्रम को शुभारंभ करने के निर्देश में अपने उद्बोधन दें. सर प्लीज. आज की आत्मनिर्भर भारत सीरीज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर प्रकाश सिंह जी, हमारे डीन अंडर ग्रेजुएट स्टडीज प्रोफेसर सुबोध वारिया साहब, जिनके मार्गदर्शन में ये हमारी आत्मनिर्भर भारत सीरीज चल रही है, कलाम सेंटर के हम लोगों के सहयोगी अभिषेक नंदन जी और सभी छात्र छात्राएं, फैकल्टी मेंबर्स जिन लोगों ने इसमें ज्वाइन किया है. हम लोगों ने आत्मनिर्भर भारत की प्रधानमंत्री जी के परिकल्पना के तहत वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश का जो मिशन है उसको आगे बढ़ाते हुए ये डिफरेंट हम लोगों के डिस्ट्रिक्ट में जो प्रोडक्ट हैं जिन पे और सर्विसेज हैं जिन पे कार्य हो रहा है और इनके थ्रू हम कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं, इस पे हमने कार्य शुरू किया. और ये राउंड टू है जिसमें हम लोग ये पहला लेक्चर हम लोग आज कर रहे हैं. और फर्स्ट राउंड जो था उसमें 4 सेशन हम लोगों के हुए थे और वो चारों बहुत ही सक्सेसफुल हुए थे. छात्रों से, फैकल्टी से, सभी जगह से उसका बहुत अप्रिसिएशन मिला था.
और मैं इसके लिए अपनी टीम से सुबोध जी को और अपने अभिषेक नंदन जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने इसको किया, और आज के मुख्य वक्ता का अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो आज के उद्बोधन को शुरू करें। प्रकाश सिंह जी प्लीज। धन्यवाद सर, अब मैं प्रकाश सर से निवेदन करूंगा कि वो अपने सेशन को इनिशिएट करें। सर अभिषेक जी। जी सर, साइटेशन। इससे पहले मैं प्रकाश सर के बारे में अपने दर्शकों, अब जो लोग भी इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि प्रोफेसर प्रकाश सिंह इज ए प्रोफेसर इन बैंकिंग एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ, वेयर ही हैज बीन टीचिंग इन द फाइनेंस एंड अकाउंटिंग एरिया सिंस 2006। दैट इज ए वास्ट एक्सपीरियंस। He has excellent experience in commercial banking, risk management, and financing startups. The research of Professor Prakash sir include interest in microfinance and valuation of startups. Sir has won the awards from IIBF, the Indian Institute of Banking and Finance, to work on a project entitled Regulation and Valuation of Microfinance Institutions, proposing a regulatory framework. He also serves as independent director of board of NBFC, MFI, and also on advisory board of UP Power Corporation, PICUP, SIDBI, Lucknow Management Association, and many other organizations. Sir has done various teaching and consulting assignments with SIDBI, NABARD, UPPCL, PCDF, Indian Army, HUDCO, GAIL, NTPC, BHEL, IRS, Kotec, Maruti, SAIL, MCDEX, ONGC, and Indian Railways. He has also faculty convener at SCIFI, NIIM Lucknow, SIDBI, DFID-sponsored incubation center promoting startups in the space of fintech. And the today's lecture is also the role of fintech in Atmanirbhar Bharat Abhiyan. So it is a wonderful to listen Professor Prakash sir today. Thank you, sir. Sir, please. Thank you, Abhishek ji. Thank you, Professor Subodh and Professor Vineet. Thank you, AKTU, for giving me this opportunity to speak to students on a topic which is very, very relevant. But at the same time, we have to also understand that there are whenever these kind of ideas come into the market, the initial reaction is not very positive, and people start talking about things which are not really desirable, but slowly and slowly people realize that there is something which is definitely worth listening. So when this this whole idea of Atmanirbhar Bharat, when it came from our Prime Minister Narendra Modi, the initial reaction, if you remember, most of the people dismissed it as that this is not going to be possible, because hamare yahan jo public hai wo in sab cheez ko sentimentally maybe few days, few weeks tak absorb karti hai, uske baad they still go back to their old habits. For example, अगर अभी दीपावली की बात करेंगे तो सब लोग फिर चाइना की लाइट्स खरीदेंगे एंड देयरफॉर दे फॉरगेट ऑल दोस थिंग्स. सो आई वांट टू टेल द स्टूडेंट्स दैट कोई भी प्रोसेस स्टार्ट होता है सो इट टेक्स टाइम, राइट. ये सब चीजें ओवरनाइट नहीं होती कि आत्मनिर्भर भारत हो जाएगा और हम बाकी सारी चीजें जो है वो बंद कर देंगे और सब चीजें अंदर ही बनेंगी, ऐसा नहीं होता. तो इसका जो एक मिसकंसेप्शन इनिशियली मार्केट में गया, इंडिया में स्प्रेड हुआ कि आत्मनिर्भर मतलब हम सब कुछ अपने से करें, दैट वॉज नॉट द इंटेंट. द इंटेंट इज दैट ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंडियन कंपनीज एंड इंडियन प्रमोटर्स शुड बी गिवन प्रायोरिटी इन वेरियस स्पेस ऑफ लाइफ. और वो अगर आप थोड़ा सा बाहर देखते होंगे तो पूरे वर्ल्ड में आजकल यही नैरेटिव चल रहा है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो इंडिया हो, कि द इकोनॉमी और उनका जो गवर्नमेंट है, दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू प्रमोट एंटरप्रेन्योर्स एंड इंडिविजुअल फ्रॉम देयर ओन कंट्री.
promotion doesn't mean that I am going to stop from engineers and founders from other countries. That is not the case, because ये मैं बार-बार दोहराता हूँ कि आत्मनिर्भर का मतलब ये नहीं होता कि हम सब चीज अपने से ही बनाएंगे और बाहर से कुछ नहीं लेंगे. आत्मनिर्भर का मतलब होता है कि जहां तक पॉसिबल होगा हम लोकल कंट्रीज, अपनी कंट्री और लोकल इकोनॉमी के प्रोडक्ट्स को अडॉप्ट करेंगे और ग्रेजुअली हम उसका एक रिप्लेसमेंट मॉडल क्रिएट करेंगे. नाउ इफ यू सी माई स्पेसिफिक टॉपिक जो है, जो मुझे AKTU ने दिया है बोलने के लिए, इट इज अबाउट the role of fintechs in this space of Atmanirbhar Bharat. Matlab fintech Atmanirbhar Bharat mein kya contribute kar sakta hai. So let's start with this word fintech first. To ye ek bada interesting word hai, because initially is pe bhi bahut misconception tha aur logon ko laga ki fintech matlab Paytm, Paytm matlab fintech aur fintech matlab Paytm. The end and start of fintech was ki it is Paytm. फिनटेक सिर्फ पेटीएम नहीं है, पेटीएम डेफिनेटली फिनटेक है, बट फिनटेक इज अ मच लार्जर डेफिनेशन. फिनटेक को अगर आप तोड़ें तो इसमें दो पार्ट हैं, फिनेंस और टेक्नोलॉजी. फिन फिनेंस से आता है और टेक जो है टेक्नोलॉजी से आता है. सो फिनटेक का एक्चुअल जो मीनिंग है, इंटरप्रिटेशन जो हमें करना चाहिए वो ये है कि हाउ कैन टेक्नोलॉजी बी यूज्ड in financial services and in financial applications or in financial products. Technology ka use karke humko financial process ka, jo bhi financial product hai ya service hai ya financial intervention hai, us process ko technology use karke improve karna hai. Technology is only a enabler. Technology product nahi ban jayega. Technology is enabler जो उस फाइनेंशियल प्रोडक्ट को एक यूजर तक, एक कंज्यूमर तक पहुंचाएगा. सो फिनटेक इज नॉट समथिंग विच इज कंप्लीटली टेक्नोलॉजी और कंप्लीटली फाइनेंस. इट इज अ फाइनेंशियल इंटरवेंशन जो पहले से था और उसको आप सपोर्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी आई. जैसे लास्ट फ्यू week say I am trying to get let's say admission for my son in various engineering colleges, and we know that the exams have got delayed and all the entrance exams have been postponed. So abhi kya ho raha hai ki whenever I go to any college website to wahan pe ek robot type ka creature khada ho karke mujhe idea deta rehta hai ki aapko kis mein admission chahiye, aapko आपका बेटे का नाम क्या है, ईमेल क्या है, फोन क्या है. दिस प्रोसेस वॉज अर्लियर डन बाई अ फोन कॉल. नाउ दैट प्रोसेस हैज बीन रिप्लेस्ड बाई अ बॉट, जिसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी में कि वो बॉट है वहां पे बैठा हुआ, चैट बॉट बोलते हैं. सो काम वही होगा बट टेक्नोलॉजी के यूज से होगा. सो दिस इज कॉल्ड फिनटेक. सो टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू हेल्प द फाइनेंशियल प्रोडक्ट या फाइनेंशियल एप्लीकेशन, और इन दोनों के मिक्स को हम फिनटेक बोलते हैं. अब इसको आप लिंक करेंगे आत्मनिर्भर भारत से. ये फिनटेक का आत्मनिर्भर भारत से क्या वो कोरिलेशन बनता है. सो जहां पे भी हम wherever we are trying, let's say in a rural area in this country, wherever we are trying to reach, the banks always had a problem कि यार वो last mile का जो connect है ना वो हम नहीं कर पा रहे. जैसे कि एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि एक बोरोवर है बैंक के पास, वो बहुत अच्छा बोरोवर है बट वो बहुत दूर बैठा है हमसे और हम उस पर तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, ठीक है. या एक छोटा लेट से एक छोटा वेंडर है गांव में जिसकी, चलिए मान लेते हैं आटे की चक्की है और वहां पे वो गेहूं पिसता है और बाकी दाल वाल जो लोग पिसवाते हैं, बट उसके पास लोन नहीं है, वो बैंक के पास लोन लेने नहीं पहुंच पाता बिकॉज ही इज वेरी फार फ्रॉम द क्लोजेस्ट बैंक ब्रांच. ये सब पुरानी प्रॉब्लम्स थी, इनका कोई सलूशन नहीं था. इनका यही सलूशन था कि वो बेचारा जो है छोटा व्यापारी है वो एक छोटे लेवल पे गांव में एक लोकल मनी लेंडर के पास जाता है और उससे वो 3% या 4% पर मंथ पे लोन उठाता है.
ये सारी प्रॉब्लम्स पहले भी थी। हमारा यूपी का एक लड़का है, वो बॉम्बे में जॉब करता है और बॉम्बे से वो जो भी सेविंग्स करता है वो अपने पेरेंट्स को यूपी और बिहार में वापस भेजना चाहता है। उस वापस भेजने के प्रोसेस में कई बार वो गड़बड़ हो जाता है, चोरी हो जाता है, पैसा लेकर के आ रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स पहले भी थी, इन सारी प्रॉब्लम्स को टेक्नोलॉजी ने हेल्प किया है, इनेबल कर दिया है। और इस पर्टिकुलरली कोविड पीरियड में तो ये बहुत ज्यादा निकल के आ रहा है कि ये सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन टेक्नोलॉजी का है। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। अभी जैसे मैंने आपसे बात की कि एक छोटा व्यापारी है, गांव में बैठा है, उसको लोन चाहिए लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या आईसीआईसीआई बैंक उसके पास तक पहुंच नहीं पा रही। तो अब एक छोटी छोटी फिनटेक कंपनीज बनी है, एक फिनटेक कंपनी जिसका नाम है बैंक बाजार, उसका दूसरा है लोन बाजार। बहुत सारी ऐसी फिनटेक कंपनीज बन गई हैं जो क्या करती हैं कि जैसे मान लीजिए बैंक है और ये बोरोवर है, तो बैंक और बोरोवर के बीच में वो बैठते हैं और बोरोवर की जो लेट्स से जो उसका अप्रेजल है बोरोवर का कि इसको लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो ये कंपनी करती है। और ये कंपनी भी पूरी टेक्नोलॉजी कंपनी है, ये कहीं पे इनका ऑफिस नहीं है, बस ये ऑनलाइन है। उस बोरोवर को ऑनलाइन जाना है और ऑनलाइन जा करके अपना जो इंफॉर्मेशन है थोड़ा बहुत जितना भी वो बताना चाहता है वो वहां बता देगा। वो कंपनी उसके डेटा को लेगी, उससे वो एनालाइज करेगी, उसको स्कोर देगी और वो इंफॉर्मेशन उसकी जो क्रेडिट रिपोर्ट है वो बैंक को दे देगी एंड देन बैंक कैन डिसाइड कि उसको लोन देना है कि नहीं। देखिए कैसा हुआ, वो कैन यू प्लीज म्यूट हिम। प्लीज सभी लोग अपने माइक को म्यूट पे ही रखें, अंटिल एंड अनलेस ऐसे कैसे होगा। प्लीज सर, हाँ तो मैं कह रहा था कि द सेम बोरोवर हु वाज सिटिंग इन अ विलेज एंड वाज नॉट एबल टू एक्सेस द लोन फ्रॉम अ बैंक नाउ हैज अ टेक्नोलॉजी चैनल थ्रू विच ही और शी कैन अप्लाई एंड गेट अ लोन सिटिंग एट द विलेज इटसेल्फ। देखिए इसमें कोई भी प्रोसेस चेंज नहीं हुआ है। बोरोवर ने लोन के लिए अप्लाई किया, बैंक ने लोन प्रपोजल को देखा और उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड किया कि हमें लोन देना है कि नहीं। बट ये पूरे प्रोसेस को एक टेक्नोलॉजी इनेबलर ने उसको टेक्नोलॉजी के प्रोसेस से कर दिया। जैसे अभी होता है कि गवर्नमेंट की जितनी भी परचेज होती है, आपके यहाँ यूनिवर्सिटी में भी होता होगा कि वेन एवर यू हैव टू बाई एनी प्रोडक्ट, अब ये क्या कर दिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ई मार्केट प्लेस बनाया है जिसको जेम बोलते हैं कि आप जेम से जाके खरीदिए। तो अगर हम जेम पे जाते हैं तो वहां पे हमको छोटा बड़ा हर टाइप का बिजनेसमैन मिलता है जो अपना सामान बेच रहे हैं। लेट से हमको अपने लिए एक प्रोजेक्टर खरीदना है ऑफिस के लिए, तो आई गो टू GEM गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ई मार्केट प्लेस और वहाँ पे छोटे छोटे जो बिजनेसमैन हैं वो अपना वहाँ पे बनाए हुए हैं कि हम भी प्रोजेक्टर बेचते हैं, आप हमसे ले लीजिए। तो इसमें कोई फिजिकली कहीं कोई नहीं बैठा है, बट इंडिया के कोने कोने में जितने भी सप्लायर हैं अगर वो रजिस्टर्ड हैं और वो उस पोर्टल पे हैं तो हम उनको देख सकते हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं और उनसे वो प्रोडक्ट जो हमको खरीदना है वो हम खरीद सकते हैं। सो दोज
प्रोसेसेस जो हैं वो इतने अलाइन हो गए हैं और यहाँ पे टेक्नोलॉजी ने इतना जबरदस्त इंटरमीडिएशन किया है कि बहुत सारी जो बाधाएं थी या रिस्ट्रिक्शंस था वो टूट गई हैं। एंड बिकॉज अब फेस टू फेस की जरूरत ही नहीं है, टेक्नोलॉजी के थ्रू सब कुछ हो जाता है। मैं भी रिसेंटली राजस्थान में था, अराउंड 3-4 months बैक बिफोर द लॉकडाउन। हमारा एक स्टूडेंट यहीं IIM लखनऊ का छात्र जो करीब 5-6 साल ICICI बैंक में काम किया और उसके बाद उसने अपनी कंपनी खोली। देखिए कैसे इसको एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेट किया जाता है। उसने अपनी एक कंपनी खोली, उस कंपनी का नाम है काबिल फिनेंस। आप लोग बाद में चाहें तो गूगल करके देख सकते हैं, उसका नाम है काबिल फिनेंस। दो लड़के हैं, दोनों IIM लखनऊ के ही हैं। उन्होंने कंपनी खोली और वो राजस्थान के गाँव में किसानों को गाय और मुर्गी पालन के लिए लोन देते। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि हम किसान कहाँ से ढूंढ के लाएंगे जो गाय और मुर्गी के लिए, मुर्गी पालन के लिए लोन लेगा। वो सारा प्रोसेस जो है वो टेक्नोलॉजी से होता है। उनका एक ऐप है, उस ऐप को किसान को डाउनलोड करना है, उसमें उसको अपनी फोटो डालनी है और अपना जो छोटा मोटा काम वो ऑलरेडी कर रहा है उसको उसकी फोटो खींच के डालनी है, 10-15 इंफॉर्मेशन, 2 पेज की इंफॉर्मेशन है वो डालनी है, अपलोड करना है। काबिल फाइनेंस के पास पूरी फाइल बन के आ जाती है, काबिल फिनेंस उसको डाउनलोड करता है, उसको देखता है कि बोरोवर में कैपेसिटी है कि नहीं है और उसके अकॉर्डिंगली उनको लोन सैंक्शन कर देता है और काबिल फिनेंस को लोन बैंक देता है। तो काबिल फिनेंस के पास अपना पैसा नहीं है, काबिल फिनेंस उस पैसे को बैंक से लेता है और उन किसानों तक पहुंचाता है। बीच में जो काबिल का काम है वो सिर्फ एक जो है एक कमीशन एजेंट की तरह, उनका पैसा जो बैंक का पैसा सीधे पहुंचना चाहिए था जो नहीं पहुंच पा रहा था वो ये कंपनी कर रही है और हर लोन ट्रांजैक्शन पे उनको कुछ कमीशन मिलता है। कितना बढ़िया बिजनेस मॉडल है, क्योंकि मैंने उन बच्चों के चेहरे पे एक अजीब सी जिसे कहते हैं एक अजीब सा सुख देखा। तो मैंने उनसे पूछा कि तुम लोग यार इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करते थे वो छोड़ के तुम लोग ये सब कर रहे हो, हाउ डू यू फील? तो बोले सर देखिए इसमें 2 चीजें हैं। पहली चीज तो हम पैसे तो कमा ही रहे हैं, दैट इज डेफिनेटली समथिंग विच वी न्यू फ्रॉम बिजनेस एजुकेशन की जो भी करेंगे वो बिजनेस ओरिएंटेशन होना चाहिए, उसमें फायदा होना चाहिए, तभी वो सस्टेनेबल है। सिर्फ सोशल वर्क सस्टेनेबल नहीं है। और दूसरी सबसे अच्छी चीज ये लगती है कि आई एम क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ एन इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। सो अभी मैंने उनसे कुछ दिन उसी समय जब बात हो रही थी तो मैंने पूछा कि आपका ऑफिस कहाँ है जयपुर में, चलते हैं आपके ऑफिस, वी विल हैव अ कप ऑफ टी। एंड ही टोल्ड मी कि सर हमारा कोई ऑफिस नहीं है, हम लोग घर से काम करते हैं। तो मैंने पूछा अच्छा तुमको ऑफिस भी नहीं चाहिए? देखिए कैसी बात करते हैं जो लोग टेक्नोलॉजी से इनेबल करके पूरे प्रोसेस को ड्राइव कर रहे हैं, उनको ऑफिस नहीं चाहिए, उनको ऑफिस की जरूरत ही नहीं। वो कहता है मुझसे कि सर पैसे देने के लिए ऑफिस नहीं चाहिए, पैसे लेने के लिए ऑफिस चाहिए होता है। And this is the kind of learning which will completely change the landscape of finance in this country. कि जिसको पैसा चाहिए होता है उसको उसको जिसको देना है उसको ऑफिस थोड़ी चाहिए, जिसको लेना है पैसा उसको ऑफिस चाहिए। तो जिसको देना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो वो लोग तो अगर एक टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट के पीछे भी छुपे हुए हैं तो भी काम हो जाता है। So they don't need really an office. अभी मैं पढ़ रहा था जब अभिषेक जी ने मुझे ये इनविटेशन भेजा था, तो आई वाज रीडिंग अबाउट अदर सच कंपनीज जो ऐसा काम कर रही हैं एंड आई केम अक्रॉस सम वेरी इंटरेस्टिंग कंपनीज जो इसी पीरियड में कोविड के सिचुएशन में छोटे छोटे कैसे काम कर रही हैं। तो एक कंपनी देखा मैंने, उसका नाम है saheliworld.org। देखिए कंपनी का नाम है saheliworld.org। टाटा पावर ने इसको इंक्यूबेट किया है। ये एक प्योर स्टार्टअप है, टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है जिसपे कि गांव की लेडीज, मतलब विलेजेस की जो लेडीज हैं वो अपने घर के प्रोडक्ट्स, चाहे वो कपड़े का कोई प्रोडक्ट बनाया हो, चाहे कोई डेकोरेटिव चीज बनाया हो, चाहे खाने का कोई चीज बनाया हो, कोई अचार बनाया हो, कोई पापड़ बनाया हो, वो उस वेबसाइट पे उस ऐप पे बेचते हैं। और ये पूरा जो प्रोसेस है वो टेक्नोलॉजी पे है। खाली भारत पावर ने, टाटा पावर ने ये किया है कि एक प्लेटफॉर्म बना दिया है जहाँ पे लोग आते हैं और अपने प्रोडक्ट को
बेच रहे हैं एंड मोस्टली दीज पीपल आर फ्रॉम द लोअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी. इसी कोविड के समय एक और कंपनी का जिक्र आता है, ग्रामीण ई स्टोर, वो भी यही कर रहा है. वो कोविड के समय गांव गांव में लोगों को जो फिनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे बैंक का अकाउंट है, बैंक चेक करना है, बैंक का स्टेटमेंट चाहिए या बैंक में से कुछ पैसा निकालना है, वो उनको डोर टू डोर वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं. और ये सब जो है बेसिकली वी कॉल देम अ कैटेगरी एज रूरल एंटरप्रेन्योर्स. ये सारे जो रूरल एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये टेक्नोलॉजी का एडवांटेज लेकर के द वे दे आर मूविंग देयर बिजनेस मॉडल, मूविंग अराउंड टेक्नोलॉजी, दे आर डूइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग विच अ बैंक डज बट विथ एन इंटरफेस ऑफ टेक्नोलॉजी. और ये इंटरफेस जो है टेक्नोलॉजी और फाइनेंस का, दैट इज समथिंग विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ये जो पूरा थीम है आज के डिस्कशन का, कि आत्मनिर्भर भारत कैसे हो सकता है. बिकॉज सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम छोटी इंडस्ट्रीज को आती है, पर्टिकुलरली स्मॉल इंडस्ट्रीज को, वो दो ही चीज की आती है, एक्सेस टू कैपिटल एंड एक्सेस टू मार्केट्स. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. टुमारो सम ऑफ यू माइट बिकम योर ओन, यू माइट स्टार्ट योर ओन बिजनेस एंड यू मे हैव योर ओन एंटरप्राइज. इसमें दो ही जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है 15-20 साल का, वो यही आता है निकल के कि वाई दीज कंपनीज आर नॉट एबल टू बिकम बिग प्लेयर्स और वाई आर दे नॉट एबल टू स्केल अप देयर ऑपरेशंस इज एक्सेस टू कैपिटल एंड एक्सेस टू मार्केट्स. और ये दोनों चीजें जो हैं वो टेक्नोलॉजी बहुत इजीली प्रोवाइड कर सकता है. अभी जैसे मान लीजिए आप एक छोटे बिजनेसमैन हैं और आपका जो है सामान बिक गया है बट आपको पैसे नहीं मिले हैं उसको, तो उसके लिए भी एक फैसिलिटी क्रिएट किया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जहां पे आप मान लीजिए आपको 50,000 रुपए का आपने सामान बेचा है और वो 50,000 रुपए कस्टमर जो है 2 महीने बाद देगा, आप आज की डेट में जाकर के उस 50,000 रुपए को डिस्काउंट करके आप अपना पैसा ले सकते हैं. सो दीज आर ऑल, ये पहले बैंक करता था, आज एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, वहां पे अपलोड करिए अपना इनवॉइस, उस कस्टमर का डिटेल अपलोड कीजिए, 50,000 रुपीज 2 महीने बाद दे रहा है तो आज की डेट में उसकी क्या वैल्यू होगी, उतना पैसा जो है बैंक आपको तुरंत आपके अकाउंट में डाल देगा. सो एक्सेस टू कैपिटल एंड एक्सेस फाइनेंस एंड एक्सेस टू मार्केट्स, इन दोनों स्पेस में अगर टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन होगा तभी ये लोग जो है छोटे से थोड़ा बड़े होंगे और बड़े से और बड़े होंगे, एंड दैट विल रियली हेल्प अस इन दिस नोबल मिशन ऑफ आत्मनिर्भर भारत. अगर वो नहीं हो पा रहा है किसी भी वजह से, अगर वो छोटे ही रह जा रहे हैं, देन डेफिनेटली वो जो हमारा ड्रीम है कि दिस कंट्री विल बिकम मोर सेल्फ रिलायंट एंड मोर एंड मोर लोकल कंपनीज विल बिकम ग्रेट दिस थिंग, वो एक सपना ही रह जाएगा. क्योंकि इन लोग की सारे छोटे बिजनेस की यही प्रॉब्लम है दैट दे आर नॉट एबल टू रेज कैपिटल ईजली, उनका पेपर वर्क थोड़ा कमजोर होता है, बैंक के पास वो पहुंच नहीं पाते हैं, इतनी सारी स्कीम्स गवर्नमेंट चलाती है बट उनको उसकी अवेयरनेस नहीं है. एक कंपनी सिर्फ यही अगर सोच ले कि हमें खाली छोटे व्यापारी को और छोटे विलेज में जो छोटे रूरल एंटरप्रेन्योर्स हैं, अगर हम उनको खाली गवर्नमेंट की स्कीम्स बताएं तो वही अपने आप में एक कंपनी हो सकती है विच कैन प्रोवाइड दिस ऑल दिस इंफॉर्मेशन ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म एंड ईजी टू अंडरस्टैंड. देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है कि गवर्नमेंट यहाँ दिल्ली में बैठी है, लखनऊ में बैठी है, उन्होंने कुछ अनाउंस किया और ये पॉलिसी है, ये है, इसको ये बेनिफिट है, बट जो एक गांव में एक छोटा व्यापारी बैठा है उसको ये चीज समझ में भी नहीं आती कि ये एक्सेस जो है प्रोवाइड किया जा रहा है वो उसके लिए भी है. ही इज नॉट इवन अवेयर ऑफ दिस. सो वो चीजें उसके पास पहुंचाने का सिर्फ एक ही अच्छा, वो उनको आप प्रिंट लगा के, प्रिंट करके किताब में बांध के उनको दीजिएगा, वो नहीं पढ़ेंगे. सो समबडी हैज टू प्रोवाइड दैट इंटरफेस कि भाई ये स्कीम है, ये तुम्हारा काम है, इस स्कीम से तुम बेनिफिट कर सकते हो, मैं तुम दोनों लोगों को मिलवा देता हूँ,
बीच में हम अपना एक ट्रांजेक्शन कॉस्ट अपना लेंगे और हम एक कंप्लीट टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाएंगे, कोई ऑफिस नहीं होगा, कोई स्पेस नहीं होगा, इतना असेट लाइट मॉडल होगा कि इन्वेस्टमेंट जो है ₹5 का भी नहीं होगा, वी कैन वर्क विद अ लैपटॉप ऑल्सो जो हमारे पास ऑलरेडी होगा. दीज काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स विल ड्राइव द नेक्स्ट लेवल ऑफ द सेल्फ रिलायंट इंडिया कैंपेन. छोटे छोटे लोगों को ये एक्सेस टू कैपिटल और एक्सेस टू मार्केट्स अगर हम प्रोवाइड करते रहेंगे, दैट इज हाउ द ड्रीम ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑफ सेल्फ रिलायंट इंडिया थ्रू फिनटेक इंटरवेंशन इन रूरल एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल पेमेंट्स इन फाइनेंशियल इंक्लूजन और सबसे इम्पोर्टेंट ऑनलाइन मार्केट प्लेस बनाना जिसमें कि छोटे आदमी जैसे आपने देखा होगा अमेजॉन आजकल बहुत कर रहा है. अमेजॉन छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स को चाहे वो एक ये आपका मुरादाबाद का कोई फर्नीचर वाला हो या बनारस का कोई छोटा साड़ी का व्यापारी हो, उसको अमेजॉन उठा के अपने प्लेटफॉर्म पे ला रहा है और अमेजॉन इज गिविंग देम एन अपॉर्चुनिटी टू सेल देयर प्रोडक्ट ऑनलाइन. अभी मैंने घर पे एक रॉकिंग चेयर खरीदी अमेजॉन से, जैसे ही मैंने वो सेल पूरी करी और बाहर आया तुरंत मेरे पास एक व्हाट्सएप मैसेज आता है मुरादाबाद से जो मैन्युफैक्चरर था कि ये जो आपने अभी अमेजॉन से खरीदा है ये मैं हूँ और ये रही आपकी चेयर जिसपे मैं अब पेंट वेंट शुरू करूंगा, आपको ये ठीक लग रहा है तो बताइए. एंड आई वॉज सो सरप्राइज दैट सच काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन. अगर मैं सीधे उस बंदे से कभी मिल नहीं पाता, वो सहारनपुर में बैठा हुआ एक छोटा व्यापारी जो चेयर बनाता है रॉकिंग चेयर, वो मुझे कभी बेच नहीं पाता, मैं उसकी क्वालिटी पे हमेशा डाउट करूंगा कि ये कैन आई ट्रस्ट हिम. बट वही प्रोडक्ट जब अमेजोन से मैंने ₹18,000 में एक रॉकिंग चेयर खरीदी तो वो बंदा जो है सहारनपुर से लखनऊ डिलीवर करने आया था. मैंने उससे पूछा कि मैं ये नहीं पूछना चाहता था कि वो कितने पैसे कमाए उसने इस ट्रांजेक्शन में, मैंने खाली उससे यही पूछा कि आप ये बताओ कि महीने में आप ऐसे कितनी चेयर बेच देते हो. तो उसने मुझे बताया कि जब मैं अमेजॉन में शुरू में आया था, मैं ये 1 साल पहले की बात बता रहा हूँ, तब मैं करीब जो है 3 या 4 चेयर महीने में बेच पाता था, आज मैं करीब 35 से 40 चेयर बेच रहा हूँ एंड मैंने अपना काम और बढ़ा दिया है, 2-4 लोगों को और इन्वॉल्व कर लिया है जो मेरे साथ काम करते हैं. दीज काइंड ऑफ स्मॉल इंटरवेंशन, इनके बहुत बड़े ड्रीम्स और वो नहीं है. अभी मैं एक वेबसाइट है, आप लोग शॉपिंग करते होंगे वहां से, शॉप क्लूज करके है. शॉप क्लूज में आप जाएंगे वहां पे एक डेडिकेटेड सेक्शन है जहां पे सिर्फ और सिर्फ उनके प्रोडक्ट बेचे जाते हैं जो रूरल एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो गांव में हमारी महिलाएं हैं या पुरुष हैं, वो लोग अपना प्रोडक्ट शॉप क्लूज के उस पर्टिकुलर हेड पे बेचते हैं. सो छोटे छोटे इंटरवेंशन, जैसे कि बहुत ज्यादा काम नहीं करने की जरूरत है, लेकिन अगर इन छोटे छोटे फुटस्टेप्स पे हम चलें, उनको एक मौका दें मार्केट में आने का, एज आई कीप ऑन रिपीटिंग, या तो उनको मार्केट दो या उनको कैपिटल दो, और ये दोनों चीजें जब आप लेकर के आते हैं सो ऑटोमेटिकली वो जो है उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, उनकी विजिबिलिटी बढ़ती है, और एक बार उनकी विजिबिलिटी और प्रोडक्टिविटी बढ़ी तो फिर वो अपने आप सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे. फिर उनको जो गवर्नमेंट से सपोर्ट है या पॉलिसी में उनको थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी है, वो धीमे धीमे हटाई भी जा सकती है और वो अपने आप सेल्फ रिलायंट बन जाएंगे. बट इनिशियल स्टेज में, क्योंकि मैं स्टार्टअप इकोसिस्टम से बहुत क्लोजली जुड़ा हुआ हूँ, सो आई कैन अंडरस्टैंड कि इनिशियल फेज में हमको हैंड होल्डिंग करनी है. अगर इनिशियल फेज में हम हैंड होल्डिंग कर देंगे तो ऐसे पेटीएम जैसे हम 10 स्टार्टअप्स जो है सिर्फ यूपी से ही खड़ा कर सकते हैं जो इस टाइप के सोशल इंटरवेंशन और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का यूज करके या तो कैपिटल या मार्केट छोटे एंटरप्रेन्योर्स के पास पहुंचा रहे हैं. सो टू कंक्लूड आई विल से फिनटेक इज समथिंग व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेस. थोड़ा इसको कंफ्यूज मत होइएगा कि ये सिर्फ पेमेंट के लिए होता है, ऐसा नहीं है. फिनटेक इज फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी का इंटरफेस. वन ऑफ द एरिया वेयर फिनटेक वर्क्स इज
is payment systems, but there are various other areas, as I pointed out, and particularly more interesting areas are marketplace, where e-marketplace is created, where companies can sell their products and people like you and me can buy. FinTech is also useful in financial inclusion spread karne ke liye, kyunki ek chote shehar mein jo hamara citizen hai, wo ho sakta hai ki insurance policy nahi khareed paaye, but wo ek insurancebazaar.com pe ja kar ke khareed sakta hai. So financial inclusion ka bhi ek perspective hai FinTech mein. Aur teesra sabse important perspective jo mujhe personally lagta hai ki rural entrepreneurship ko काफी सपोर्ट मिल सकता है फिनटेक और फाइनेंशियल इंटरफेस से, टेक्नोलॉजी के इंटरफेस से, क्योंकि रूरल इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत स्कोप है. वी हैव टू जस्ट प्रोवाइड देम द टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन. और आप लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, यू शुड ऑलवेज कीप दिस इन माइंड दैट व्हेन वी आर डेवलपिंग प्रोडक्ट्स और व्हेन वी आर क्रिएटिंग अ सिस्टम, यू शुड ऑलवेज थिंक अबाउट प्रमोटिंग स्मॉल एंटरप्राइजेज एंड स्मॉल बिजनेसेस रादर देन trying to develop a product which will help large organizations. Small organizations ki help kariye, unke dimag mein rakhte hue products or services banaiye. I'm also not suggesting that we should all do social work and charity. That is not my idea. The idea is the product or the business has to be commercially viable. Commercially viable ka matlab hai ki aapke liye bhi paisa banna chahiye, but if you can also bring in that dimension that where you are helping small enterprises, nothing like it. Then there is a golden combination of that I am helping small enterprises through technology interface and I am still making money in this business. So money is there, technology interface is being provided, and you get the satisfaction of helping lesser privileged member of the society jisko aap upar la rahe hain aur self-reliant bana rahe hain, and all this will go in a long way in helping the effort of the Prime Minister of self-reliant. So again, just to conclude, Atmanirbhar Bharat is a thought. It is not something which will you click like this and it will happen. It's a thought, and we should appreciate that thought, that at least somebody is thinking about it. And when you appreciate the thought process, then you will understand that what essentially the Prime Minister or the government is saying, that we have to gradually build an ecosystem. We have to gradually come to a platform where our companies become more and more self-reliant, and the dependence on other countries should gradually reduce. So this is a thought, and it will take some time before these things happen. But in our capacity, as I always keep on saying, ki hum kya kar sakte hain is process mein? As an individual, what you can do to contribute. I don't want you to contribute by burning Chinese products and taking photographs and putting it on Facebook. That's not the idea of self-reliant India. The idea for a self-reliant India from an engineering student should be that main agar aage, if I develop a product, or if I try to help, then I will develop a technology product which will help the less privileged members of the society to come out of their small industry clusters, make them little big, and then you will be proud of your achievement, not only in terms of making money, but also creating the impact where it mattered the most. Wahan pe kaam karne ki zarurat hai. Thank you, and I'm open to, if somebody wants to ask any question, I'm open to that. Thank you very much. धन्यवाद सर. अगर किसी के कोई प्रश्न है तो वो केवल चैट बॉक्स में ही डालें, सो दैट पूरी मीटिंग में डिस्टर्बेंस ना हो, जैसा कि हम लोग पहले भी करते आ रहे हैं. तो चैट बॉक्स से ही आप अपने प्रश्नों को रखेंगे. इस कार्यक्रम को बहुत ही अच्छी तरह से सर आपने एड्रेस किया, और मैं देख रहा हूँ कि ऑडियंस के लिस्ट में अधिकतर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे IIM में आकर के भी क्लास ले चुके हैं. तो ये एक अच्छा है, इसका प्लस पॉइंट रहा कि जैसे मैं देख रहा हूँ, मैं स्मृति श्रीवास्तव जी हैं, महेंद्र गुप्ता जी हैं, पंकज जी हैं, विजित जी हैं, डॉक्टर डी एस तोमर हैं, ये सारे लोग आपके साथ, मतलब मेरे बैच में ही थे हम लोग जब आपके IIM में आए थे. अब मैं इस क्रम में डॉक्टर सचिन सर से रिक्वेस्ट करूँगा. डॉक्टर निशांत गुप्ता जी भी हैं, अभी उनका भी मैसेज आ रहा है, तो मैं सचिन सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो फॉर्मली सर को एक थैंक यू मैसेज दें सर प्लीज़.
थैंक यू अभिषेक. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक टुडेज एक्सपर्ट प्रोफेसर प्रकाश सिंह. आलोक गुप्ता सर भी हैं यहाँ पर. कौन सॉरी अभिषेक सर यहाँ पर. मैं वही सर के साथ एड्रेस कर रहा था कि जिन लोगों को सर ने आईआईएम में अपने एमडीपी प्रोग्राम में क्लासरूम में पढ़ाया था उनमें से अधिक okay. बहुत सारे लोग यहाँ पे नाम हैं तो वही मैंने सर के साथ भी शेयर किया है. So, first of all, I would like to thank Professor Prakash Singh sir for delivering such an enlightening lecture on banking and finance and for sharing his valuable experience and case studies with our participants. I believe that our student and participant must have been benefited out of it. Also, I would like to thank to ProVC and coordinator TechCube3 Professor Vineet Kansal sir for his valuable guidance and encouragement. I am also thankful to Dean UG Professor Subodh Varia sir for his consistent support and motivation and for being connected throughout the session. Also, I'd like to thank to all participants connected online for joining with us in this session and thus making it successful. Last but not least, I would like to thank and congratulate to Abhishek Nandanji from KCIS for organizing this session successfully. And also Veer Vikramji for his technical support during this whole session for smooth conduction. It's indeed a great pleasure to have you all in today's session. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद सर. इस क्रम में मैं डीन इंटरप्रेन्योरशिप डॉक्टर सुबोध वैद्य सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक बार कंक्लूडिंग रिमार्क दें सो दैट हम लोग इस प्रोग्राम को कंक्लूड करें. थैंक यू अभिषेक जी. प्रोफेसर प्रकाश सिंह जी को सुनना हम सब के लिए बड़ा ही गौरव का विषय है. और जैसे COVID-19 महामारी पेंडेमिक में ये हमको सिखा दिया कि हम लोग जो स्वतंत्रता का महत्व था जो लॉकडाउन पीरियड में हम लोग घर के अंदर बंद थे और उसमें आत्मनिर्भर भारत का मतलब ये नहीं कि हमें दूसरों को एम्प्लॉयमेंट या रोजगार देना है. हर फील्ड में हमको खुद को सेल्फ सस्टेन बनना है. तो जो ये लॉकडाउन पीरियड था लोगों को मतलब घरों में मतलब वर्क टू होम और पहले तो वर्क टू होम या होम टू वर्क वो चीज़ अलग हो गई और डिजिटल प्लेटफॉर्म का एप्लीकेशन इन ऑल डायमेंशन. तो इसीलिए जो हमारा जैसे हमने आज सर को सुना और सर का सुनना इसलिए भी अच्छा लगा कि सर पहले मैकेनिकल इंजीनियर से सर ने अपना डिग्री प्राप्त की और उसके बाद सर ने टेक्नोक्रेट से सर ने मैनेजमेंट में शिफ्ट किया. तो सर के पास वास्ट एक्सपीरियंस था. तो सर का टोटल ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि हम लोग ये ना सोचें कि हम लोग अकेले कुछ कर सकते हैं. अगर क्योंकि ये जो भी आपको पास कोई भी गोल है उस पर टीम वर्क से काम करना होगा. जैसे कि कोई हॉकी टीम है क्रिकेट टीम है मैच हम जब ही जीत सकते हैं जब सबका साथ सबका विकास. और जो हमारे मंत्र हैं गांव पढ़ेगा तो देश बढ़ेगा. ठीक है तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा ग्लोबलाइजेशन है जो हमारा लोकल प्रोडक्ट है और जो हमारे अंदर इन बिल्ट हायरार्किकल और टेक्निकल और जो भी हमारे अंदर क्वालिटीज है उसकी हेल्प करके हम कोई चीज को मार्केट में लाएं. क्योंकि इनोवेशन सबके दिमाग में होते हैं. हर कोई सोचता है कि मैं ये आइडिया या इस प्रोडक्ट को डेवलप कर सकता हूँ. पर जब वो आज के समाज में या जब वो भौतिक युग में आता है तो किसी प्रोटोटाइप को डेवलप करके मार्केटिंग करना इज द लास्ट टफ टास्क. किसी को कन्विंस करना. मार्केटिंग मीन्स कोई प्रोडक्ट आप किसी को बेचेंगे तो उसको कन्विंस करना कि ये प्रोडक्ट क्यों बेटर है मार्केट में इसके क्या मतलब क्वालिटीज़ हैं अब तक ये प्रोडक्ट आया नहीं है और इससे आपको क्या बेनिफिट होंगे और कॉस्ट. तो उस प्रोटोटाइप को बनाने के लिए आपको इनिशियली इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. क्योंकि हर कोई जब तक कोई हारेगा नहीं तो दूसरा जीतेगा कैसे. तो हर चीज़ को सर ने यही बताया कि हमें हारना और जीतने का नहीं सोचना है. हमें ये देखना है कि दूसरों के आइडिया को भी हम कंसीव करके उनकी हेल्प पे हम मार्केटिंग करके उनके प्रोडक्ट को कैसे हम लॉन्च करने में उनकी हेल्प कर सकते हैं. क्योंकि दो तीन वर्ड हैं स्टार्टअप इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप. पहले जो ये फैक्ट्रीज होती थी इनके ओनर को ही मालिक कहा जाता था और बाकी सब वर्कर होते थे. केवल दो ही वहाँ पे सिस्टम होते थे टायर वन और एंड टायर जीरो. टायर जीरो में सब लेबर वर्कर और सब आते थे. टायर वन में केवल एक आते थे जिसको कहते थे ये मालिक है. आजकल क्या है कि हम लोग कोई भी आइटम को अपना कंसीव करके उसको डेवलप करके मार्केट करके हम खुद भी सेल्फ सस्टेन बन सकते हैं.
उसको हम मार्केट में डेवलप करके उसकी ब्रांड वैल्यू, क्योंकि आजकल लोग की जो एक मेंटेलिटी है कि अगर ब्रांड वैल्यू नहीं है तो खराब है, आप कोई भी चीज चाहिए आप कुछ भी बनाइए, तो उसका जो एक आउटलुक है फर्स्ट लुक अच्छा होना चाहिए। तो सर का कहना है कि जो भी हम प्रोडक्ट कर, हो सकता है हम आइडिया कंसीव करें, हो सकता है उसकी मार्केटिंग वैल्यू, क्योंकि देखिए हिंदुस्तान लीवर जो जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो देखिए कोई भी प्रोडक्ट होता है चाहे साबुन हो, तो ये होता है कि मैन्युफैक्चर्ड बाय दिस एंड मार्केटेड बाय दिस, क्योंकि हम लोग छोटे गाँव से छोटी सोर्स से हम प्रोटोटाइप अपने लेवल पर डेवलप तो कर सकते हैं, पर हम इंडिया लेवल और ब्रॉड लेवल में उसकी मार्केटिंग वैल्यू के लिए हमें किसी कंपनी या किसी बड़े लोग का सहारा लेना पड़ेगा। तो उसमें भी कोई आत्मनिर्भर भारत मतलब ये कॉलिब्रेशन ऑफ द ऑल प्रोडक्ट ऐसा नहीं है। और उस पर सर का भी कहना ये है कि हम एकदम से आत्मनिर्भर नहीं बन जाएंगे, कहीं से आपके पास मेटेरियल आएगा, कहीं से ट्रांसपोर्टेशन होगा, और कहीं से और लोन्स होंगे, लोन्स की क्या मतलब टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, क्या बैंक गारंटीज होंगी, क्योंकि केवल बातें करना और उसको हवाई किले बनाना और सपनों में पंख लगाना और उसको उड़ान भरना, पर इसका सबसे बड़ा है कि अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो हम इसके लिए उसको कैसे मतलब बना पाएंगे। और सर बहुत अच्छा लगा जो हमारा फर्स्ट पेज था उसमें हमें इकोसिस्टम और क्या क्या पेटेंट राइट और क्या कॉपी राइट है, सर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, और सर इंडिया में कौन कौन से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं और कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज और कौन पॉसिबिलिटीज है जहाँ मैन्युफैक्चरिंग कर सके। तो सर हम आशा करते हैं कि हमारे फैकल्टी आपसे सर कॉन्टेक्ट करेंगे और आपकी जो भी अनुभव है जो आपके एक्सपीरियंस है उनका लाभ उठाएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सुबोध, थैंक यू अभिषेक जी, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर, थैंक यू।